में अब तक तीसरा सीजन ही ऐसा रहा है जिसने कई मायनों में बड़े बड़े रिकॉर्ड्स बनाए हैं। फिर चाहे वो टीआरपी गेन करने का मामला हो या फिर बाकी बातों को लेकर हो। आपको बता दें कि नागिन सीजन 3 अब तक का सबसे लंबा सीजन रहा है जिसके कुल एपिसोड्स 103 थे, जो अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है। लेकिन अब लगता है कि नागिन सीजन 3 के इस बड़े रिकॉर्ड को नागिन 6 तोड़ने के लिए हो गया है तैयार। अब हम ये बात क्यों कह रहे हैं, ये भी आपको विस्तार से समझाते हैं। बिल देखा जाए तो अभी नागिन 6 के 56 एपिसोड ही पूरे हुए हैं। अभी बहुत लंबा टारगेट नागिन 6 को करना है, लेकिन अभी शो का अंत नहीं हुआ। जैसा कि खबरों में कहा जा रहा है कि शो फिलहाल 2022 के अंत तक ऑफ एयर नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि अभी नागिन 6 के काफी एपिसोड्स बचे हैं। जनरेशन लीप की तैयारी की जा रही है जिसमें नई कहानी और स्टार के साथ नया ट्रैक दिखाया जाएगा, और इस तरह से अगले कई हफ्तों तक नागिन 6 के छाने की तैयारियां की जा रही हैं। और अगर सब ठीक रहा तो नागिन 6 नागिन 3 के एपिसोड्स का रिकॉर्ड तोड़ सबसे ज्यादा एपिसोड्स वाला सीजन बनने का खिताब अपने नाम कर सकता है। हो सकता है कि इस बारे में खुद शो की लीड हीरोइन तेजस्वी प्रकाश को भी ना पता हो कि उनका सीजन कितना बड़ा कमाल करने को तैयार बैठा है, क्योंकि फिलहाल तो तेजस्वी अपनी परफॉर्मेंस और शो की तरफ ही ध्यान दे रही हैं, अपने नए किरदार को निभाने पर फोकस कर रही हैं और घंटों घंटों की शूटिंग में बिजी हैं। देखा जाए तो लंबे वक्त के बाद नागिन 6 को लोगों का इतना प्यार मिला है। बेशक शो ने टीआरपी के मामले में बड़े बड़े रिकॉर्ड्स ना बनाए हों, लेकिन फिर भी हर हफ्ते शो टॉप 10 की लिस्ट में बराबर जगह बना रहा है। वहीं अगर वाकई शो 103 से ज्यादा एपिसोड्स पार करता है तो तेजा का ये शो बहुत बड़ा साबित होगा। हालांकि अभी शो के इतने एपिसोड्स पूरे करने में काफी वक्त है। इतना बड़ा रिकॉर्ड बनाने के लिए नागिन 6 को आने वाले 4 महीने और सरवाइव करना होगा, तब जाकर तेजा का ये शो नागिन 3 के एपिसोड्स के आंकड़ों को पार करने में कामयाब होगा। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि कैसे आने वाले दिनों में नागिन 6 कमाल करता है और साल 2022 के अंत तक बना रहता है।